हेलो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है इंडिया रसिया रिलेशन है। इंडिया रसिया रिलेशन की जो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं, इस पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी रसिया गए थे, उनका जो विजिट था 8 से 10 जुलाई था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसमें रसिया ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है अपना, जिसका नाम है एंड्रियो प्रोटोक्लेटोस। ठीक है, तो एंड्रियो प्रोटोक्लेटोस ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है वैसे रसिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। और ये हमें दिखाता है कि इंडिया और रसिया का रिलेशन हमारा अभी भी काफ़ी अप है और मल्टी डायमेंशनल है। तो अभी स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दोनों कैसे हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं इंडिया और रसिया। तो अभी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरह देखने को मिलता है, क्योंकि रसिया इंडिया का जो परमानेंट सीट है यूएनएससी में उसको सपोर्ट करता है, साथ साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप को भी रसिया सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रसिया की तरफ से इंडिया को देखने मिलता है। और इंडिया भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रसिया करना हो उसको बैलेंस करता है, साथ साथ यूएसए और रसिया के बीच और भी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव जो रिलेशन है वो ना हो उसको भी बैलेंस करने में रोल प्ले करता है इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रसिया चाइना के बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन ना हो उसको बैलेंस करता है, और साथ साथ हमें हम मीडिएटर की तरह भी काम करते हैं रसिया और यूएसए के बीच का। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया और रसिया दोनों ब्रिक्स का भी पार्ट हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है। इन सारी रिलेशन हमारे दिखाते हैं कि हमारा जियोपॉलिटिक्स में दोनों हम कोऑपरेट कर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस में हमारा बहुत ही हिस्टोरिकल टाई रहा है रसिया के साथ, और हमने अभी अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर के बावजूद भी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है रसिया से परचेज किया है। और इंडिया और रसिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, जिनका नाम है इंद्र ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और इंद्र नेवी जो नवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप भी है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल दोनों मिलकर बनाते हैं, SU-30 एयरक्राफ्ट भी मिलकर बना रहे हैं, और T-90 जो टैंक है वो भी हम मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा अभी आप देखोगे मेक इन इंडिया के तहत जो कामोप 226 जो हेलीकॉप्टर है इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रसिया ने किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप इंडिया और रसिया के बीच में काफ़ी डीप देखने को मिलती है, और ये हमारा रिलेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो अभी ट्रेड प्रेजेंटली आप देखोगे तो $11 बिलियन तक बायलेटरल ट्रेड पहुंच गई है, और इसका टारगेट है $30 बिलियन, जो कि हम फ्यूचर में इजीली इसको, जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है ट्रेड रिलेशन, हम इजीली अचीव इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, टारगेट अभी $50 बिलियन का ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रसिया भारत में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया भी रसिया में इन्वेस्ट करेगा, तो टोटल बायलेटरल जो इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के होंगी वो लगभग $50 बिलियन यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर भी हम कर रहे हैं, जो कि कुंडलकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे जॉइंट वेंचर से हम न्यूक्लियर पावर की फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो इकोनॉमी में हमारी काफ़ी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो ये रहा दोस्तों इंडिया और रसिया के रिलेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको हमने यहाँ डिस्कस किए, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट, कि जियो पॉलिटिक्स में हम क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, डिफेंस में हमारा क्या कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में क्या कोऑपरेशन है। इस पॉइंट को आज के वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।